दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है, ये हमने 19 जुलाई 2022 को बनाई थी और ये हमने सफ़र किया था इस्लामाबाद के नज़दीक जो इलाका है बारा कऊ से तौबट वादी नीलम आज़ाद कश्मीर तक का। दोस्तों, ये टोटल जो फासला बनता है ये तकरीबन 350 किलोमीटर है इस्लामाबाद से तौबट के लिए, और इसको तय करने में तकरीबन जो है वो 11 से 13 घंटे लगते हैं। दोस्तों, ये हमने सफ़र किया था 19 तारीख को, मुल्तान से शुरू किया था, तो इसलिए रात हमें हो गई कुंडल शाही में। तो फिर रात हमने कुंडल शाही में एक गेस्ट हाउस में क़याम किया और अगले दिन फिर हम लोग कुंडल शाही से हम लोग गए थे ताओबट, यानी 20 तारीख को, 20 जुलाई 2022 को हम लोग ताओबट पहुंचे थे। दोस्तों, ये सफ़र हमने अपनी टोयोटा HJ61 पे किया। ये उसकी टेस्ट ड्राइव भी थी, दूसरी और या तीसरा या तीसरी टेस्ट ड्राइव थी, क्योंकि इस दौरान में कई हीटअप के इशू आ रहे थे जो हम साथ साथ फिगर आउट करते जा रहे थे। दोस्तों, सारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है। हमने सफ़र किया था बारा कऊ से हम मरी एक्सप्रेस वे पे आए। एक्सप्रेस वे को हमने तय किया और उसके बाद हम लोग जो है वो मरी पहुँचे। मरी से जो है फिर हम लोग से जो जहाँ पे मैकडोनल्ड है वहाँ से हम लोग सीधे गए, लोअर टोपा गालिबन उसको कहते हैं, वहाँ से हम लोग सीधे गए मुजफ्फराबाद बरास्ता कोहाला पुल, और मुजफ्फराबाद से हम सीधे गए फिर ताओबट। तो रास्ते में जगह जगह हम रुकते गए, वीडियोस पिक्चर्स बनाते गए, खाना वाना खाते गए, लोगों को मिलते गए। ये सारा सफ़र दोस्तों जो है ताओबट से मुजफ्फराबाद तक, ये सारा दरियाए नीलम के साथ साथ है, और ये दरियाए नीलम ताओबट में दाखिल होता है और वहाँ उससे पहले इसका नाम किशन गंगा दरिया है। तो वहाँ अब इंडिया ने गालिबन कोई वो बना लिया, क्या कहते हैं, डैम, इस वजह से पानी कम होता है, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो जो आसपास के नाले शामिल होते जाते हैं इसमें पानी की मकदार जो है वो बढ़ती जाती है। वादी नीलम का जो सदर मुकाम है वो 8 मुकाम है, वो तकरीबन बिल्कुल सेंटर में आता है इस्लामाबाद और ताओबट के तकरीबन सेंटर ही बनता है। तो बाकी जो है ये बहुत खूबसूरत इलाका है, जन्नत नज़ीर इलाका है, हर तरफ हरियाली है, दरख्त हैं। जब हम लोग गए थे उस वक्त तो काफ़ी गर्मी थी, और इवन कुंडल शाही में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भी रात को हमें पंखे चला के सोने पड़े। और लेकिन ये है कि ये आप इंजॉय करते हैं, बल खाता रास्ता, पहाड़ी रास्ता, आपकी अपनी 4x4 हो तो बहुत खूबसूरत और बड़ा मज़ा आता है। और जब आप आगे जाते हैं केल से आगे, तो केल से आगे तो बिल्कुल ही जो है वो 4x4 है, तकरीबन जो है वो 4x4 है सारा रास्ता, और ताओबट तक दरिया के साथ साथ, कहीं कच्चा है, कहीं पक्का है, कहीं ऊंचाई है, कहीं उतराई है। और दोस्तों, इस इलाके के देहात गांव देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत खूबसूरत गांव हैं और बहुत खूबसूरत वेदर होता है, कहीं बादल नीचे आए होते हैं, कहीं ऊपर होते हैं। तो हमने बहुत इन्जॉय किया इस सफ़र को। दोस्तों, ये वीडियो आपको कई जगहों पे शायद एडिट मालूम हो, उसकी वजह ये है कि सारा बॉर्डर का इलाका है और हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हमारे कोई जो है वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी की पोस्ट वगैरह थी या कोई उनके इलाके थे, तो वो हमने इसमें से काटे हैं, एडिट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने एडिट करना भी इस सेंस में आ जाता है क्योंकि वहाँ हमने बनाई ही नहीं वीडियो, काटना तो दूर की बात, वहाँ जो जो हमारे इलाके थे दिफाई
लिहाज से इलाके थे उनको, फिर हमने वहाँ पे, हम फिल्म बनने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर हमने फिल्म वहाँ पे वीडियो बनाई ही नहीं। तो इसलिए आपको महसूस होगा कहीं पे कि अगर एक वीडियो कहीं पे ख़त्म हुई है तो दूसरी कहीं और से शुरू हो गई है, और कुछ वीडियो कहीं से जा रही है और दरमियान में फिर दूसरी स्टार्ट हो गई है, तो ये आपको कहीं कहीं महसूस होगा। तो कई जगहों पे दरिया के उस तरफ इंडिया है और दरिया के इस तरफ पाकिस्तान है, और कई जगहों पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वादी है, ज़िंदगी में जब कभी आपको मौका मिले तो वादी नीलम आज़ाद कश्मीर का एक सफ़र लाजमी कीजिए और वहाँ चंद दिन बिताइए और अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए। दोस्तों इस मुजफ्फराबाद तक तो तकरीबन सारे ही नेटवर्क काम करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो एसकॉम की सिम आप ले लें। एसकॉम की जो सिम है वो तकरीबन हर जगह काम करती है। बाकी जो है वो होटल दुकानें तो हर जगह हैं, केरन में भी है, केएल में भी है और अठमुकाम पे भी है, लेकिन अगर आप ज़रूरियात ज़िंदगी का जो आपका सामान आपको ज़रूरत हो सकता है, कोशिश करें कि मुजफ़्फ़राबाद से जाते हुए लेते जाएं, और ताकि जो है वो आपको फिर जो है वो कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो हमारे इस्लामाबाद से वादिय नीलम के आखिरी गांव ताओबट के सफ़र का 24वां हिस्सा है। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।
Thank you.
Thank you.
बसी हुआ है।